हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जबसाysdilse। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज पहला वीडियो है न्यू ईयर का जो मैं डाल रही हूँ और उम्मीद है आप लोग का नया साल बहुत ही लक्की और प्रॉस्परस और हैप्पी गुजरेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप की ब्रेड जो है वो कड़क हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़रा हार्ड हो गई है, तो अक्सर हमें वो ब्रेड फेंकनी पड़ जाती है, तो उसको हम लोग कैसे बिल्कुल नए जैसा दोबारा से सॉफ्ट बना सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, यूट्यूब पर है लाखों चैनल और एक बार मेरा चैनल का लिंक हो गया गुम तो आपको ढूंढना हो जाएगा बड़ा ही मुश्किल। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगा घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि जब भी आप यूट्यूब पर आएँ तो आपको पता चल जाए मैंने कौन सा नया वीडियो आपके फ़ायदे का डाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अक्सर अगर हम ब्रेड को रख दें थोड़ी देर के लिए बाहर या 3-4 दिन भी अगर वो रख लेते हैं ब्रेड को कई बार, तो जो ब्रेड है कई बार एकदम कड़क हो जाती है और कई बार तो बहुत सारे लोग फ्रिज में भी स्टोर करते हैं ब्रेड को और वो कड़क हो जाती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कि जैसे जब हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक हम लोग जब सुबह चाय हम लोग बनाते हैं या हम लोग कॉफ़ी के लिए दूध उबालते हैं, उसी वक्त हम लोग ब्रेड के लिए नाश्ते वगैरह के लिए भी ब्रेड को यूज़ करते हैं। तो जब आप चाय बनाते हो या आप कॉफ़ी के लिए भी अगर दूध उबाल रहे हो, तो हमारे पास एक वो होल्स वाला ये जो ढक्कन है, ऐसा ढक्कन मिलता है आपको बाज़ार में। तो अगर आपके पास ऐसा ढक्कन है तो आप ऐसे ढक्कन को चाय या दूध वाले के जो बर्तन है जिसमें वो गर्म हो रहा है उसके ऊपर रख दीजिए। मतलब कि जब उसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलनी शुरू हो गई है, भाप निकलनी शुरू हो गई है, और उसके ऊपर, उस ढक्कन के ऊपर आप जो ब्रेड है उसको दोनों तरफ से 30 सेकेंड, हाँ जी 30 सेकेंड के लिए ब्रेड को दोनों तरफ से उसको, मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा स्टीम होने दीजिए ब्रेड को, और बस 30 सेकेंड आप देखो उसको करके, और आप देखोगे कि जो ब्रेड है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी आपकी। तो और दोबारा से इस्तेमाल कर सकोगे आप उस ब्रेड को, और इस तरीके से आपको जितने भी ब्रेड के पीसेस उस वक्त के लिए हार्ड हो गए या कड़क हो गए, आपको उसकी ज़रूरत है जितने आपने चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से बहुत ही आसानी से स्टीम करके दोबारा यूज़ में ला सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही प्रेम स्नेह साथ हमेशा बनाए रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।